गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विथ आर चैप्टर. ओपन पेज नंबर 66. सो द नेक्स्ट सर्विस दैट वी हैव टू डिस्कस इज फायर स्टेशन. वी सी अ फायर स्टेशन इन आर नेबरहुड. फायरमैन पुट ऑफ फायर. दे यूज लॉन्ग लैडर एंड होस पाइप टू पुट ऑफ फायर. डायल 101 टू कॉल अ फायर इंजन. सो फायर स्टेशन, इस तरह के फायर स्टेशंस होते हैं बच्चों. एंड इन यहाँ पे जो मेन जो काम करते हैं आदमी, उनको हम कहते हैं फायर मैन. ठीक है, उनका काम होता है कि जब भी कभी हमारे नेबरहुड में आग लगती है, ठीक है, तो वो आग बुझाने का काम करते हैं विथ यूजिंग अ लॉन्ग लैडर. लैडर मतलब होता है जीना. जैसे आपने घरों में जीने, जो आपके घर में जीने हैं वो नहीं, आपने बैम्बू वाले लैडर देखे होंगे, तो ये मेटल के लैडर्स यूज़ करते हैं. एंड होस पाइप, इनके पाइप्स जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं कि इन केस अगर दूर कहीं आग लगती है, दे कैन पुट ऑफ द फायर देयर आल्सो. ठीक है, अ ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड. यस, यू हैव सीन ट्रैफिक पुलिस मैन हु कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड. नेक्स्ट इज नेक्स्ट सर्विस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग यूथ, दैट इज़ स्कूल. स्कूल इज़ अ सेकेंड होम ऑफ द चिल्ड्रन. मोस्ट नेबरहुड हैव स्कूल्स सो दैट चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू ट्रैवल फार. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन अ नेबरहुड देर शुड बी अ स्कूल सो दैट द स्टूडेंट्स डोंट हैव टू ट्रैवल फार डिस्टेंसेज. आपको दूर ना जाना पड़े, इसलिए हर एक नेबरहुड में स्कूल होना ज़रूरी है. जैसे आपके यहाँ आपका स्कूल है. चिल्ड्रन लर्न टू रीड राइट एट द स्कूल. टीचर्स ऑल्सो टीच गुड हैबिट्स गुड मैनर एट स्कूल. सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस. नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन. नो व्हाट इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब होता है व्हेनेवर वी फील बोर्ड, वी मस्ट हैव सम प्लेसेस वेयर वी कैन एन्जॉय और रिलैक्स आवर सेल्फ. ठीक है, रिक्रिएशन का मतलब होता है कि जब भी हम अपने फ़न के लिए या ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए कहीं हम घूमने जाते हैं, वो रिक्रिएशनल प्लेस कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल्स, आजकल हम मॉल घूमते हैं सो दैट वी कैन एन्जॉय. वी गो टू पार्क. सो रिक्रिएशन मीन्स टू एन्जॉय एंड रिलैक्स विच वी कैन डू मैनी थिंग्स फॉर रिक्रिएशन. वी कैन गो टू पार्क. सी नाउ दीज आर द प्लेसेस विच आर फॉर रिक्रिएशन, यानी एन्जॉयमेंट के लिए, जैसे पार्क, जू, एक्वेरियम एंड सर्कस. एंड वी कैन गो विद आर फ्रेंड्स और विद आर फैमिली टू दीज प्लेसेस. A park is a place where people go to walk, play and relax. बच्चे यहाँ पे हमने usually देखा है, जो बच्चे होते हैं वो गेम खेलते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो वॉक करने आते हैं, या फिर दे ईदर कम टू सिट और रिलैक्स देयर. और मम्मी पापा जो हैं या अंकल आंटी भैया दीदी वगैरह जो है, दे यूजली कम फॉर वॉक. चिल्ड्रंस हैव फन ऑन स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सीसॉ. सो बच्चे जो है या तो झूलों पे या स्लाइड्स पे, इस तरह की स्लाइड्स पे उनको फन मिलता है. नेक्स्ट प्लेस इज जू. अ जू इज़ अ प्लेस वेयर मेनी काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड आर केयर्ड एंड केप्ट फॉर पीपल टू सी. अ पर्सन हु लुक आफ्टर द एनिमल इन अ जू इज़ कॉल्ड जू कीपर. सो जू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है. यू हैव सीन बर्ड सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, एनिमल सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं, एंड वहाँ पे उनकी देखभाल भी होती है. एंड वी कैन विज़िट, कॉमन पीपल जो हम लोग हैं, हम वहाँ विज़िट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं. जैसे दिल्ली में जो है एक ज़ू है बहुत बड़ा, चिड़ियाघर बोलते हैं वहाँ. ओके, एंड पीपल हु कीप दीज एनिमल और लुक आफ्टर दीज एनिमल, उनको हम जू कीपर्स बोलते हैं. राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कस.
Now, circus has a group of people called clowns, acrobats and magicians who perform to entertain people. Now, nowadays we don't find circus क्योंकि अब ये चीज़ें ban हो चुकी हैं. Many a times they have animals and they don't treated animal nicely. So, आजकल circus नहीं है, but हाँ, बहुत पहले आपके जब मम्मा पापा छोटे होंगे, दैट वाज अ टाइम व्हेन वी हैव सीन सर्कस. तो उनमें जोकर्स होते थे जिनको हम क्लाउन बोलते हैं, एक्रोबैट्स होते थे जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते, मैजिशियंस होते थे, एंड दे इवन हैड एनिमल्स आल्सो विद देम. ओके, नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वी प्रे टू प्रेज एंड थैंक गॉड. People go to different places of worship like temples, churches, mosques and gurdwaras. Now this is the most important place where people go. जहाँ पे हम सभी जाते हैं. We people of every age go to temples or churches, mosques and gurdwaras. तो basically we go there to thank, हम भगवान का धन्यवाद करने जाते हैं, and we get relaxation. ओके, सो आपने फाइव प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशंस अभी पढ़े हैं. सो बाय दिस आई हैव एंडेड द चैप्टर फॉर यू. नाउ प्रिपेयर फॉर अ शॉर्ट टेस्ट फॉर टुमारो.